खंड की खूबसूरती बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मैं हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मैं हिमाला पार्वती को मेरो मैं सिरोच, पार्वती को मेरो मैं सिरोच, ओ यीशु शिव जी को सुरासा, मैं हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मैं हिमाला पहाड़ों की परिभाषा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, पहाड़ों की परिभाषा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, चले आओ पहाड़ों में दे रहा हूँ मैं, चले आओ पहाड़ों में निमंत्रण दे रहा हूँ मैं, जहाँ सूरज अनोखा है जगह का नाम कौसानी, जहाँ सूरज अनोखा है जगह का नाम कौसानी, वो नैनीताल ही तो है जहाँ बहता है नित पानी, चले आओ पहाड़ों में निमंत्रण दे रहा हूँ मैं, पहाड़ों की परिभाषा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, चले आओ पहाड़ों में दे रहा हूँ मैं, क्यों उत्तराखंड के मातृभूमि। वेरी गुड, माय नेम इज जोहान। दोस्तों श्री मास्टर जोहान, दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा, तू मेरी हिरदी में नोच तेरो, आँखों में अनार तेरी, अरे मुगड़ी तेरी बुरा सी फूल, सुआ बुरा सी फूल, घड़ी घड़ी नारा सुआ मने मा जिरूच भागी मने मा जिरूजा, मुगड़ी तेरी बुरा सी फूल, सुआ बुरा सी फूल, घड़ी घड़ी नारा सुआ मने मा धीरूज भागी मने मा धीरूजा, जब हुलो फूल सुआ यार हरी संग तेरी, सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा, तू मेरी नदी में नोच तेरो, आँखों में अनार तेरी। बच्चे ने इतना साहस किया, इतना आगे बहुत अच्छा सुनाया, इसके प्रोत्साहन अवश्य मिलना चाहिए ऐसे बच्चे को। और कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? आप इसी कड़ी में डर क्यों रहे थे, इतना डर क्यों रहे थे, डर क्यों रहे थे, डर क्यों रहे थे? बेटा घबराना नहीं चाहिए, ठीक है? स्कूल में कैसे बोलते हो, स्कूल में तो बोलना पड़ता ना, तो ऐसे यहाँ पे बोलो, स्कूल है तुम्हारा ये, ठीक है? ओके थैंक यू। नमस्कार, लाइट कर। उसकी तीन रानियां थी, वो सत्या, सुमित्रा
वापस ना आए, चीता का मन घबरा है, बचाओ बचाओ वो बात है यार, तुम भी जाओ लक्ष्मण भाई, लक्ष्मण मेरे भावना ना 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 चीता माय, रावण चारु बंदर आया, दीक्षा को आवाज लगाए, दीक्षा दे ही चीता भिक्षा लेकर आए, रावण तेरे नमस्कार जी, कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइए, आज आप यहाँ पर आए हैं तो ये प्रोग्राम आपने किस उपलक्ष्य में किया सर, मुझे बताएंगे जरा पहले आप पे ये क्या चीज़ है, मतलब क्या लोग जानना चाहते हैं क्या ये हो रहा है हमें? जब से हम यहाँ आए, जब से हमने यहाँ आवास लिया है, बिल्कुल सर, हमें 16 साल हो गए, मतलब 11-12 साल से यहाँ संस्था है, धार्मिक संस्था है, तो मतलब उसके उपलक्ष्य में ये हम करते हैं। ठीक है, क्या है कि जब शुरू शुरू में आए थे तो हमारे छोटे थे सदस्य, हम सदस्य बढ़ा रहे हैं, अपनी पहचान परिवार बढ़ा रहे हैं, मतलब कि अभी तक हम कम लोग थे, अब हम परिवार समूह बना रहे हैं, अच्छा बन रहा है, इसी की हमारी पहचान है बढ़ रही है, बिल्कुल सर, हमारी संस्कृति बढ़ रही है सर। और बताएंगे उत्तराखंड के बारे में कुछ नया बताएंगे जो नए जनरेशन के लोग जाने उसे आपके माध्यम से? हम लोग जाने को छोड़ रहे हैं थोड़ी थोड़ा, मतलब अभी हमारे लोग क्या है, कुछ जो नए यंग लोग हैं वो इस चीज को ज्यादा नहीं मानते, संस्कार को नहीं मानते, आजकल के नए जनरेशन को ये कि वहाँ जॉब नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, फिर भी सरकार कोशिश कर रही है थोड़ा बहुत। सर देखो पहाड़ में तो वैसे व्यवसाय तो है नहीं, है नहीं, ये अगर व्यवसाय पहाड़ में होती तो हम लोग यहाँ प्लान नहीं करते, ठीक है जी। आज हमारी जो मजबूरी के कारण हम यहाँ देश प्रदेश में आ गए, यहाँ दो रोटी के खातिर यहाँ पर कहते हैं ना, फिर भी हम सोचते हैं तय दिल से कि वो हमारी देवभूमि है, हमारी सांस्कृतिक है, हम उसको उठाने की कोशिश करनी चाहिए। सर मेरे हिसाब से प्रयास सबका जारी रहना चाहिए, जारी हमेशा रहना चाहिए, किसी भी प्रांत में बसे, लेकिन उत्तराखंड होने आता है उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने प्रांत को उठाए और अपनी पहचान को। सबसे पहले तो सर हम देवभूमि से जुड़े पड़े हैं, सबसे पहले हम भी, और देवता लोगों के वास, जहाँ वास होता है वहाँ से हम हैं, तो हमें किसी बात का डर क्यों है? बिल्कुल डर नहीं, भगवान को बताना जगाना क्या है, देवभूमि से हमें सारी, हमारी देवभूमि सारी चीज़ें। तो सर आप ये बताइए कि और ये चीज बताइए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ का प्रोग्राम, कैसा लग रहा है आप लोगों को? खूब एंटरटेनमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे सर? तो सर अभी आपने कुछ खाया भी नहीं खाया भी, आप बताइए कुछ बना की बात हमें यहाँ लगे लगता है गर्व से बोलो क्या, वो उत्तराखंड, उत्तराखंडी है, बिल्कुल सर बिल्कुल, हम बहुत मेहनत करते हैं लोगों को जोड़ने, बिल्कुल सर, हम तो चाहते हैं कि लोग जुड़ते रहे हमारी, एक बार उत्तराखंड छोड़ देता वो सोचता यार मेरा सिर्फ गांव ही है बस, सर वो गांव नहीं समझता, दिल्ली है शहर में आके सोचता कि दिल्ली मेरा गांव है। अगर ये प्रतिक्रिया रखे कभी यहाँ कभी वहाँ सब ठीक रहे, बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ कि सब लोग जैसे आपके माध्यम से सब लोग जुड़े ऐसे संस्कृति को देखें, और बिल्कुल जी आप भी कुछ बता दीजिए उत्तराखंड के बारे में। मैं तो यही कहूँगी कि आपदा ना आए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपदा है बहुत आती है, एक डिजास्टर प्रोन एरिया है, बिल्कुल जी, तो हमें उस चीज में काम करना चाहिए, इसमें ही रह रहे हैं लोग, जब से लोगों ने सीमेंट के मकान बनाने लगे तब से सीमेंट जब से गया उत्तराखंड में, तब से ये पहाड़ का बदलाव हो गया, सब देसी हो गए सब, सब देसी। आज अगर किसी को कहेंगे कि गाना गा लो तो गाना नहीं गा पाएंगे। अभी देखो मैं अपनी से पूछता हूँ, नमस्कार जी, अच्छा आपका शुभ नाम पहले बता दीजिए, अच्छा जी अब ये बताइए एक गाना जैसे छोटा सा गा के दिखाइए, कुछ छोटा सा आपको काफी प्रसिद्ध गाने हैं हमारे गाँव के, पहाड़ी में बोलू, अच्छा पहाड़ी में बोलू, गीत सुने थे फिर कोई भलभल कोई आपको जो सत्य प्यार से गीत, आजकल बेड़ू पाको से प्रसिद्ध है हमारे गीत, हाँ थोड़ा सा सुनाइए, क्या बात है, अभी खाना नहीं खाया आप लोगों ने तभी आवाज नहीं निकल रही है, खाना खाओगे तब आवाज निकलेगी, बहुत अच्छा आपने बहुत गीत गाया, थैंक यू, ऐसे लोगों को जगाते रहो और दिखाते रहो इस चीज को, उत्तराखंड की हमारी संस्कृति, हम लोग चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए और ज्यादा से इस चीज को देखे, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, जय उत्तराखंड सर, थैंक यू सर। दीदी देखो, दीदी आप भी देखो, दीदी अरे पीछे से देख, इधर
तक देखो सारे प्लीज। प्रियांश इधर देखो, इस गर्ल को बोलो अपना गिफ्ट नीचे करो। दीदी इधर देखो, रफा इस साइड आ जाओ, कोलम है ना, इस साइड आएगा नहीं। आप इधर देखो, प्रियांश इधर देखो,